दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना के संजय स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ का कार्य होली से पहले पूर्ण होने की संभावना है। टर्फ बिछाने का कार्य तेजी से हो रहा है। आज गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने एस्ट्रो टर्फ का कार्य का निरीक्षण किया और हॉकी खिलाड़ियों की मांग पूरे हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाए उस पर विधायक मुख्यमंत्री से बात कर एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस कार्य को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ने पर माननीय खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से भी मदद होगी, बेबी दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। गुना विधायक द्वारा खिलाड़ियों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने को लेकर हॉकी खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। जियो मोबाइल फटने से घायल छात्र दिया एग्जाम, एम्बुलेंस से परीक्षा केंद्र भिजवाया, राइटर उपलब्ध कराया, बच्चे ने जवाब लिखवाए। कलेक्टर के संज्ञान और निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के बाद आखिरकार एक कक्षा 10 के छात्र का साल खराब होने से बच गया। मोबाइल की बैटरी फटने से घायल हुए बच्चे का पेपर दिलवाने के लिए प्रशासन ने एक विशेष व्यवस्था की। उसे एम्बुलेंस से लिटाकर अस्पताल से परीक्षा केंद्र ले जाया गया। वहां अलग कमरे में पलंग पर उसकी व्यवस्था की गई। एक राइटर उपलब्ध कराया गया और बच्चे ने अपना एग्जाम दिया। पेपर होने के बाद बच्चे का साल खराब होने से बच सका। शहर के कई मंदिरों में नंदी की प्रतिमा के द्वारा जल पीने की अफवाह उड़ी, वीडियो हुए वायरल। गुना जिले में आज कई मंदिरों में नंदी की प्रतिमा द्वारा जल पीने के वीडियो सामने आए। ऐसी अफवाह है कि नंदी की प्रतिमा जल पी रही है। ये खबर लोगों को जैसी ही लगी तो लोग देखने के लिए मंदिरों में उमड़ने लगे और वे खुद नंदी बाबा को जल पिलाने के लिए प्रयास करने लगे। और ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें लोग नंदी की प्रतिमा को जल पिलाते हुए दिख रहे हैं। अब इसे अफवाह कहें या आस्था, पर कई लोग नंदी की प्रतिमा को जल पिलाते हुए दिखे, वीडियो भी सामने आए। हमने देखा कि नंदी की प्रतिमा में जैसे ही चम्मच को लगाया तो जल मूर्ति से सटते हुए नीचे बहता हुआ दिखाई दिया, जो कि दूर से देखने में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। वहीं इस बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आज जजी बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देते हुए मनाया जन्मदिन, शहर को स्वच्छ रखने के लिए दिया संदेश। इस अवसर पर विधायक गोपीलाल जाटव सहित भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। CISF गेल इंडिया लिमिटेड विजयपुर रावगढ़ के द्वारा मनाया गया 53वां स्थापना दिवस। CISF के 53वां स्थापना दिवस पर जवानों ने ली सलामी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे श्याम सुंदर अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक गेल विजयपुर। स्थापना दिवस के मौके पर CISF बल के सदस्यों के द्वारा सेरेमोनियल परेड पर कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करना और हर प्रकार का दुश्मनों को जवाब देना, हथियारों के साथ रिफ्लेक्स शूटिंग का कार्यक्रम, हथियारों की हैंडलिंग एवं डॉग शो का कर्तव्य दिखाया गया। पार्क में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। गुना शहर में शिवाजी पार्क उत्थान समिति ने शिवाजी नगर पार्क में साफ सफाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया और स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपा शहर जिला टीकाकरण प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए आज मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया एवं सभी उत्थान समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी, जिसमें राजेश साहू, जगदीश साहू, हेमंत यादव, चतुर्भुज ग्वाल, गिरजेश स्वामी, धनीराम ग्वाल, सुनील धाकड़, गेंदालाल ग्वाल, विजय कांत राठौर, कालूराम सोनी, धर्मेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज राजगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ब्लॉक मंडलम सेक्टर व बूथ प्रभारियों की बैठक में हुए शामिल। स्वर्णकार समाज महिलाओं ने मनाया फाग उत्सव का आयोजन। नगर बीनागंज की स्वर्णकार समाज की महिलाओं द्वारा शनिवार के दिन फाग उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जोधपुर मंडल में प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के डेगाना जंक्शन फुलेरा जंक्शन रेल खंड पर बोरावर कुचमान सिटी स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण के प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है।
प्री नॉन नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त, कुछ को आंशिक निरस्त एवं कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। निरस्त गाड़ियों में गाड़ी संख्या 14883, 14814 जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। अभी कुछ दिन पूर्व ऑपरेशन कराकर लौटे प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में गीत गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की दीर्घ आयु की कामना करते हुए अपने निवास पर सपत्नीक पौधा भी रोपा। म्याना में विधायक कप का हुआ आगाज, गर्ल्स एवं बॉयज ले रहे भाग। आज बमोरी विधानसभा के ग्राम म्याना में खेल एवं युवा कल्याण विभाग गुना द्वारा विधायक कप की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला महामंत्री मुकेश जाटव रहे। जिला महामंत्री ने खिलाड़ियों का परिचय कर उन्हें शुभकामनाएं दी। गुना नगर प्रथम आगमन पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत किया पौधरोपण। गुना जिले के अल्प प्रवास पर आए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत सिंह का म्याना में राजीव भार्गव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। उन्होंने अंकुर अभियान के तहत जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधरोपण भी किया। गुना पुलिस की ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार कार्यवाही, कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब किशोरी को राजस्थान के बापचा से खोज निकाला। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से गायब हुई 16 वर्षीय एक किशोरी को राजस्थान के बापचा से दस्तायाब करने में सफलता हासिल की गई है। जियो मोबाइल फटने से घायल छात्र, दिया एग्जाम, एम्बुलेंस से परीक्षा केंद्र भिजवाया, राइटर उपलब्ध कराया, बच्चे ने जवाब लिखवाए। कलेक्टर के संज्ञान और निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के बाद आखिरकार एक कक्षा 10 के छात्र का साल खराब होने से बच गया। मोबाइल की बैटरी फटने से घायल हुए बच्चे का पेपर दिलवाने के लिए प्रशासन ने एक विशेष व्यवस्था की, उसे एम्बुलेंस से लिटाकर अस्पताल से परीक्षा केंद्र ले जाया गया। वहां अलग कमरे में पलंग पर उसकी व्यवस्था की गई, एक राइटर उपलब्ध कराया गया और बच्चे ने अपना एग्जाम दिया। पेपर होने के बाद बच्चे का साल खराब होने से बच सका। क्या नाम है आपका? अनिल मीना। क्या हुआ? ये सर विनोद मीना है जो मेरा भतीजा है, ये कक्षा 12वीं का इसके दोस्त का पेपर दिलाने के लिए कुमराज आया था और उसके साथ जब पेपर ख़त्म होने के बाद में ये दोबारा घर जा रहा था, इसके पास जियो मोबाइल का फ़ोन जेब में रखा हुआ था और ये अचानक फ़ोन में बैटरी इसकी ब्लास्ट हो गई, जिससे इसका पैर और पेट दोनों डैमेज हो चुके हैं लगभग बहुत ज़ोर से। तो ये सर जियो का ये बैटरी वो ये उसकी ब्लास्ट। कौन से में पढ़ता है आपको? ये कक्षा 10वीं में पढ़ता है, इसका सुबह पेपर है इंग्लिश का। कौन? शनिवार को। शनिवार को देर शाम को हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये रायपुरिया गांव के रहने वाले विनोद मीना छात्र का एक छोटे से एक दुर्घटना के कारण उनको चोट पहुंची थी, जिनका इलाज कुमराज अस्पताल में चल रहा था एंड उनको 10वीं परीक्षा लिखना था। एंड इसमें हमने SDM एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से संपर्क किया और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट का इंतजाम कराया था। इसके साथ साथ हमने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बच्चे को अगले दिन एग्ज़ाम लिखने के लिए राइटर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। बच्चे को आज अस्पताल से एग्जामिनेशन सेंटर तक एम्बुलेंस में लेके आए थे एंड उनको राइटर के माध्यम से उन्होंने एग्जाम लिख पाए थे। तो हमारी एंटायर टीम को अनुभाग अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी की टीम को बधाई और उन्होंने अच्छे प्रयास करके बच्चों को एग्जाम दिलाने में सहायता दी। गुना के संजय स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ का कार्य होली से पहले पूर्ण होने की संभावना है। ट्रफ बचाने का कार्य तेजी से हो रहा है। आज गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने एस्ट्रो ट्रफ का कार्य का निरीक्षण किया और हॉकी खिलाड़ियों की मांग पूरे हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाए, उस पर विधायक मुख्यमंत्री से बात कर एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस कार्य को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ने पर माननीय खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से भी मदद होगी, बेबी दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। गुना विधायक द्वारा खिलाड़ियों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने को लेकर हॉकी खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। गुना में हॉकी के लिए ऐतिहासिक दिनों में से एक दिन है, क्योंकि गुना के संजय गांधी स्टेडियम पर एस्ट्रोटर्फ बिछाने का कार्य अंतिम चरण पर है।
आज उसका निरीक्षण करने हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक गोपीलाल जाटव आए हैं और उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। विधायक जी, बड़ा काम हो रहा है, हॉकी की एस्ट्रोटर यहाँ गुनाम बन रही है, लोगों को बहुत इससे खिलाड़ियों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम जो है बन जाए, ये जो है ना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट सिटी है गुना की, उसके अंतर्गत जो है ना ये स्टेडियम में जो है ना जो पैसा लगा है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी इस स्टेडियम में स्टेडियम के हिसाब से जो भी आवश्यकता होंगी इसके लिए पूर्ति करने के लिए जो है ना अपन जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे, बात करेंगे, और क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो उस हिसाब से जो है ना उनसे बात करेंगे कि जो है ना मतलब आप इतना हाँ एक बन तो गया है। हाँ। इसमें बैठने की थोड़ी कमी है और वो व्यवस्था उसके लिए बैठने के लिए जो भी जरूरत होगी ना वो पूरी करेंगे, करवाएंगे जो है ना सरकार से, ठीक है ना। जो मैं ये चाहता हूँ कि स्टेडियम जो है पहले एस्टीमेट बन जाए और एस्टीमेट बन करके अगर कहीं जो है ना लगभग जो है ना आप हमको जो है ना बता दें उस हिसाब से मैं जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख दूंगा, सेम जा करके जो है ना बात करूंगा कि आपने स्मार्ट सिटी जो है ना गुना बनाई है तो उसके लिए स्टेडियम उस हिसाब से जो है ना स्टेडियम होना चाहिए गुना का जो है ना, एक बात। दूसरी बात, अभी विधायक कप विधायक जो है ना मतलब ना अभी लगभग जो है ना हॉकी उसका कबड्डी का उसका भी जो है ना पैसा आ गया है, माननीय खेल मंत्री श्रीमंत जसोदा राजे जी ने जो है ना लगभग 1,00,000 रुपये का जो है ना लेटर भेजा है, वो भी हम जल्द से जल्द जो है ना मतलब ना कबड्डी का जो है ना स्टेडियम में खिलाड़ी के रूप में आप खिलाड़ी हैं तो जो विधायक जी ने ये कहा है कि मैं मेरी तरफ से कराऊंगा तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको, जो कमियाँ रह गई स्टेडियम में? मेरा ये आग्रह है और बधाई भी है, हालांकि लंबे समय बाद प्रतीक्षारत गुना के यहाँ के खिलाड़ियों को सौगात मिली है। काफ़ी पूर्व से खिलाड़ी जगत इसकी मांग करता रहा, चूँकि गुना हॉकी का एक लंबे समय से गढ़ रहा है और गुना जिले का भारतीय हॉकी में अपना एक इतिहास है और एक स्तंभ के रूप में गुना को वर्षों से देखा जाता है, तो लंबे समय से एस्ट्रोटर्फ की मांग गुना में चली आ रही थी। अविलंब ये मांग पूरी हुई है, निश्चित तौर पर स्वागत की पहल है। लेकिन माननीय विधायक जी आज हमारे ऐसा सौभाग्य हमारे साथ खड़े हैं, सत्ता में हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, हमारे पूरे खिलाड़ियों की तरफ से मांग है कि इस गुना शहर को एक अच्छे स्टेडियम के रूप में तब्दील करें ताकि आने वाले समय में जो इस गुना की धरा की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के रूप में पहचान थी वो हमारा शहर वापस उस स्थान को पा सके। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूँ। माननीय विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जी से मांगो तो एस्टीमेट बनाकर ये काम हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाँ, एस्टीमेट बना के हम भिजवा देंगे भोपाल में, वहाँ से अगर सेंक्शन होकर आता है तो हम जरूर इस पे काम करेंगे। जी ने जो एस्टीमेट की बात रखी है और खिलाड़ियों का जो सपोर्ट किया था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं विधायक जी से निवेदन भी किया था हमने पहले और स्टेडियम में उनकी तरफ से भी सांसद निधि विधायक निधि दोनों तरफ से भी स्टेडियम में लगाया जा सकता है और शासन से वो लिख सकते हैं तो जल्दी बन जाएगा काम। साथ हैं जगता दादा, ये स्टेडियम में विधायक जी खुद आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जो डिमांड है बाकी बचे हुए काम है, एस्ट्रोटर तो लग गया है, बहुत बधाई के पात्र हैं विधायक जी, शायद सत्ता दल अब ये जो बची हुई डिमांड इसको पूरा कराने के लिए बोला। आदरणीय विधायक साहब से आज से करीब 6-7-8 दिन पहले मेरी भी एक चर्चा हुई थी और मैंने उनसे निवेदन किया था, एक दिन आप ग्राउंड पर बता रहे हैं हमारे यहाँ एस्ट्रोटर लग रहा है आपके आशीर्वाद से, उसमें बहुत सारी हमारे खिलाड़ियों की कुछ डिमांडें भी हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था, आज मुझे बहुत खुशी है कि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और मेरे साथियों ने उनके सामने कुछ डिमांड रखी भी होगी। मैं समझता हूँ आदरणीय के माध्यम से, चूँकि एस्ट्रोटर्फ बार बार नहीं डलता और ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत कॉस्टली आइटम है और इस एस्ट्रोटर्फ को धूल से बचाने के लिए सबसे आवश्यक है इस स्टेडियम के निर्माण होना। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम काफ़ी लंबे अरसे से एस्ट्रोटर्फ की मांग कर रहे थे, हमारे खेल मंत्री यशोधराज सिंधिया साहब ने ये एस्ट्रोटर्फ हमें दिया है और आज जब ये एस्ट्रोटर्फ हमें गुना शहर को मिला है, क्योंकि जब श्रीमान नगर पालिका में पार्षद थे उसी ज़माने से एक बहुत बड़ा हॉकी टूर्नामेंट हम यहाँ आयोजित करते जा रहे हैं जिसे लगभग 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है
और हम चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जो है एस्ट्रो टर्फ बिना वो टूर्नामेंट आयोजित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसलिए उस टूर्नामेंट को भी हमारे एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड की आवश्यकता थी। ऐसे एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड आज हमें मिल रहा है और आदरणीय पूर्व मंत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वर्तमान विधायक हैं, अगर इनके माध्यम से हमारे एस्ट्रो टर्फ के साथ साथ हमारे खिलाड़ियों को जो सुविधाएँ चाहिए उनमें अगर कुछ इजाफा हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय विधायक जी का हमारे खेल मंत्री जी से बहुत मधुर संबंध है, और अगर ये खेल मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे तो मैं समझता हूँ इसकी बाउंड्री, इसके जो स्टेडियम की जो हमारी मांग है बाकी के जो नॉर्म्स हैं वो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। बाकी कोच हैं आप, बच्चियों को आप हॉकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एस्ट्रोटर पाने से कितना फ़ायदा देखती हैं आप बच्चियों को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल अभी के ज़माने में ये ग्रास और चट के ग्राउंड का मैच ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से सब टर्फ का ही मैच चल रहा है, तो बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी हमारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है इसकी रनिंग और जो ज़मीनी रनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो टर्फ डल जाएगा, बच्चे अच्छा खेल जाएंगे और आगे कॉम्पिटिशन में अच्छा करेंगे, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, टर्फ डलने से और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि हम जब 9th में पढ़ते थे तो मैं, शेखर, शरद हॉकी से खेलने के लिए हम लोग ग्वालियर गए थे गोरखी विद्यालय में। शेखर ने बाद में ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किया हॉकी में, शरद ने भी बहुत अच्छा किया, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, यहाँ हम छट पर खेले, हॉकी खेले, बाद में क्रिकेट खेले, और अब ये एस्ट्रोटर्फ बन गया है तो गुना के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। अगर इसमें विधायक जी ने बोला है कि मैं पूरी पूर्ति कराऊंगा, कोशिश करूंगा, तो ये ऐतिहासिक ग्राउंड गुना में बन जाएगा, जहाँ से इंटरनेशनल मैच हॉकी के होने लगेंगे और गुना के लिए बड़ी सौगात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। शहर के कई मंदिरों में नंदी की प्रतिमा के द्वारा जल पीने की अफवाह उड़ी, वीडियो हुए वायरल। गुना जिले में आज कई मंदिरों में नंदी की प्रतिमा द्वारा जल पीने के वीडियो सामने आए। ऐसी अफवाह है कि नंदी की प्रतिमा जल पी रही है। ये खबर लोगों को जैसी ही लगी तो लोग देखने के लिए मंदिरों में उमड़ने लगे और वे खुद नंदी बाबा को जल पिलाने के लिए प्रयास करने लगे, और ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें लोग नंदी की प्रतिमा को जल पिलाते हुए दिख रहे हैं। अब इसे अफवाह कहें या आस्था, पर कई लोग नंदी की प्रतिमा को जल पिलाते हुए दिखे, वीडियो भी सामने आए। हमने देखा कि नंदी की प्रतिमा में जैसे ही चम्मच को लगाया तो जल मूर्ति से सटते हुए नीचे बहता हुआ दिखाई दिया, जो कि दूर से देखने में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। वहीं इस बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हुए थे भैया सामने, एक अपने सामने लड़की रहती है, वो आई के चलो है ना नादिया जी पानी पी रहा है, फिर मैंने पानी पिलाया तो बाकायदा उन्होंने पानी पी, फिर उसके बाद सबको पता चली, सबने पानी पिलाया। कब की घटना है ये? अभी थोड़ी देर पहले की। कहाँ पे? कहाँ पे? यही लूसन के बगीचा, शंकर जी के मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? जय श्री रामेश्वर जी मंदिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता। पार्क में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। गुना शहर में शिवाजी पार्क उत्थान समिति ने शिवाजी नगर पार्क में साफ सफाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया और स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपा शहर जिला टीकाकरण प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए आज मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया एवं सभी उत्थान समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी, जिसमें राजेश साहू, जगदीश साहू, हेमंत यादव, चतुर्भुज ग्वाल, गिरजेश स्वामी, धनीराम ग्वाल, सुनील धाकड़, गेंदालाल ग्वाल, विजय कांत राठौर, कालूराम सोनी, धर्मेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने शिवाजी नगर स्थित पार्क में साफ सफाई, पौधारोपण करके उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई दी और शहर में संदेश दिया स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए जिससे शहर में सफाई रहे, और उनकी लंबी आयु के लिए कामना की।
अभी कुछ दिन पूर्व ऑपरेशन कराकर लौटे प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में गीत गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की दीर्घ आयु की कामना करते हुए अपने निवास पर सपत्नीक पौधा भी रोपा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, लंबी आयु लगे, इसी तरह आपके नेतृत्व में प्रदेश प्रगति करता रहे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम सबकी उम्र आपके साथ है और इसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहे और हमारी आदरणीय साधना भाभी जी उनका सानिध्य आपके साथ इसी तरह बना रहे और दोनों खुशी से मध्य प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएँ, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ।